बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैम्डा म्यू थ्योरम, ये आज हमारा टॉपिक है। इफ टू कंकरेंट फोर्सेस रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा ओ ए एंड म्यू ओ बी, इफ टू कंकरेंट फोर्सेस रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा ओ ए एंड म्यू ओ बी, दो कंकरेंट, कंकरेंट मीन होता है एक ही पॉइंट की प्रोडक्ट करने वाली फोर्सेस, देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय लैम्डा प्लस म्यू ओ सी, वेयर सी डिवाइड्स ए बी सच दैट ए सी रेशो सी बी इज इक्वल टू लैम्डा म्यू। हाँ जी, क्या कहता है लैम्डा म्यू थ्योरम? ये कहता है कि आपके पास दो कंकरेंट फोर्सेस हैं, एक का नाम है लैम्डा ओ ए और एक का नाम है म्यू ओ बी। इन दो फोर्सेस का, जहरी सी बात है, एक रिजल्टेंट होगा, उसको हम नाम दे देते हैं ओ सी का। तो वो कहता है कि और इसको हम क्या कह देते हैं, लैम्डा कह देते हैं, और इसको हम क्या कह देते हैं, म्यू कह देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमने क्या कर दिया, हमने ड्रा कर दी बिल्कुल ऐसे ही, ये वाली आपको ड्रा करके दिखाता हूँ इधर, इस तरह करके, इस तरह आपने ड्रा करनी है जी, इस तरह जी। हाँ जी जी, हमारे पास एक फोर्स है जी, एक फोर्स है, ये वाली जो फोर्स है हमारे पास, ये है ओ ए और ये वाली बी है, ठीक है। इसको हम कह देते हैं लैम्डा ओ ए और इसको हम कह देते हैं म्यू ओ बी। ये हमारे पास दो फोर्सेस हैं, ठीक हो गया। और इनका एक रिजल्टेंट है, वो पॉइंट सी पे जा देता है, उसको हम क्या कह देते हैं, रिजल्टेंट ओ सी हमने इसको कह दिया। ये हमारे पास कंकरेंट फोर्सेज हैं जी, दो ओ ए लैम्डा ओ ए वाली और म्यू ओ बी वाली, ठीक है। और साथ में एक कंडीशन भी दी हुई है, साथ में ये कंडीशन दी हुई है ए सी सी बी, ये वाली ए सी रेशो सी बी इज इक्वल टू म्यू रेशो लैम्डा। तो रेशो को हम ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ए सी ओवर फ्रैक्शन की फॉर्म में, ए सी ओवर सी बी इज इक्वल टू म्यू ओवर लैम्डा। तो यहाँ से आप देखें तो ए सी के सामने म्यू है और सी बी के सामने लैम्डा है, तो हम इसको मिला देते हैं एक लाइन के साथ यूं करके, तो ए सी या ए सी के सामने म्यू और सी बी या सी बी इसके सामने लैम्डा, इस तरह करके ये फिगर बनाई गई है, अगर आ गई है यही फिगर इधर भी बनी हुई है, ये देखें। लेट आर बी द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेज लैम्डा ओ ए एंड म्यू ओ बी, हमने आर को, इसको ओ सी को, इसको हमने रिजल्टेंट कह दिया, ये वाला आर रिजल्टेंट ओ सी, देन आर इज इक्वल टू लैम्डा ओ ए प्लस म्यू ओ बी, रिजल्टेंट की डेफिनेशन से रिजल्टेंट होता है दोनों फोर्सेज के सम के इक्वल होगा, गिवन दैट ए सी सी बी इज इक्वल टू म्यू लैम्डा, ये गिवन था। इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा ए सी इज इक्वल टू म्यू सी बी, लैम्डा ए सी इज इक्वल टू म्यू सी बी, इस म्यू सी बी को इधर लेकर आए तो हमारे पास बन गया लैम्डा ए सी माइनस म्यू सी बी, ये हमारे पास बन गया। तो ये हमारे पास बन गया लैम्डा ए सी प्लस प्लस म्यू बी सी, हमने कर दिया, ये सी बी था ना, ये वाला देखिए, ये सी बी था, सी बी से वेक्टर था सी से बी की तरफ, अब वेक्टर बना है बी से सी की तरफ, अपोजिट डायरेक्शन में जब वेक्टर आप लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू प्लस बी सी इज इक्वल टू जीरो, इसको आप इक्वेशन नंबर टू कह दें, इसको वन और इसको टू कह दें। अगेन फ्रॉम द फिगर, फिगर से अगर आप देखें तो जो ओ ए है वो किसकी इक्वल है, ओ ए, ये है ओ, ये है ए, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी प्लस सी ए, इस तरह करके ये आपके पास एक ट्राइंगल बनी हुई है, ओ ए रिजल्टेंट नहीं बन रहा, ओ सी का और ओ सी का और सी ए का, ओ सी सी ए का रिजल्टेंट बन रहा है ओ ए, तो ये देखें ओ इज इक्वल टू ओ सी प्लस सी ए, उसका रिजल्टेंट बन रहा है। तो हमने क्या कर दिया, सारी इक्वेशन को लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, लैम्डा लैम्डा लैम्डा, ठीक हो गया, इसको आप इक्वेशन नंबर थ्री कह दें। नेक्स्ट अगेन फ्रॉम द फिगर, अब मैं ये ओ बी लिखने लगा हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास ये वाली फोर्स बनेगी, ये हमारे पास है ओ बी, ये रिजल्टेंट बन रहा है ओ सी प्लस सी बी का, ओ सी प्लस सी बी, ये देखें ओ बी इज इक्वल टू ओ सी प्लस सी बी, इसका रिजल्टेंट बन रहा है, ये जो ओ पी है ये रिजल्टेंट बन रहा है किसका, ओ सी फोर्स वाली फोर्स, इसका ये रिजल्टेंट बन रहा है, तो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी प्लस सी बी, इसको म्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो इसको हम इक्वेशन नंबर फोर कह देते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा यूजिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन 1 वी गेट, हम क्या करने लगे हैं इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 और 3 को यूज करने लगे हैं। ये देखें, ये थी ना हमारे पास इक्वेशन 1 लैम्डा ओ ए और म्यू ओ बी, ये थे कि हमने लैम्डा ओ ए कैलकुलेट किया और यहाँ पे हमने म्यू ओ बी कैलकुलेट किया। ये म्यू ओ बी और लैम्डा ओ ए की वैल्यूज जो है इन दोनों को हम ये वाली देखें, अब आई थिंक आपको नजर आएगी ये वाली देखें, ये ओ ए, ये लैम्डा ओ ए और ये म्यू ओ बी, इन दोनों की वैल्यूज हमने इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे पुट कर लेनी है यहाँ पे, तो ये बन गई है। यहाँ पे मैं पुट करके ले आया हूँ तो ये बन गई है लैम्डा ओ सी प्लस लैम्डा सी ए प्लस म्यू ओ सी प्लस म्यू सी बी इज इक्वल टू, हमने यहाँ से क्या कर दिया ओ सी कॉमन ले लिया, ये देखिए ओ सी तो लैम्डा प्लस म्यू रह जाएगा, प्लस हमारे पास क्या रह जाएगा लैम्डा सी ए प्लस म्यू सी बी, ये हमारे पास दो रह जाएंगे, ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया लैम्डा प्लस ओ सी, इसको अगर आप देखें तो ये क्या है, ये हमारे पास सी ए है, ये क्या है हमारे पास लैम्डा सी ए प्लस म्यू, ये वाला ये हमारे पास आ गया ना लैम्डा प्लस म्यू ओ सी प्लस लैम्डा सी ए प्लस म्यू सी बी आ गया, ये वाली टर्म एज इट इज। यहाँ पे ये देखें, ये लिखा हुआ है लैम्डा सी ए, यहाँ पे भी ये लैम्डा सी ए, ये गलत लिखा हुआ है, ये होना चाहिए माइनस कर दिया है ना, तो उल्टा दिया वेक्टर को, ये बन जाएगा लैम्डा ए सी, यहाँ पे क्या आ जाएगा लैम्डा ए सी, इसको कर दे, ये बन जाएगा माइनस लैम्डा ए सी और ये वाला बन जाएगा माइनस म्यू बी सी। ये देखें, ये सी ए था, सी ए से मैंने वैक्टर ए सी कर दिया तो ये माइनस हो गया, सी बी था वैक्टर तो ये भी वैक्टर से वैक्टर बी सी कर दिया तो ये भी माइनस हो गया, तो ये दोनों माइनस हो गए हमारे पास, ये बन जाएगा लैम्डा ए सी और ये बन जाएगा म्यू बी सी, लेकिन ये दोनों अब माइनस क्यों जाएंगे, माइनस है दोनों में से कॉमन ले लिया जाए तो इसी तरह ये नीचे वाला भी ए सी आएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा ए सी बन जाएगा और ये वाला बी सी, ये भी गलत लिखा हुआ है, ये वाला बन जाएगा बी सी, ठीक है, इसको करेक्ट कर लें आप अपने पास, ये क्या लिखा जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास माइनस लैम्डा ए सी प्लस म्यू बी सी, माइनस लैम्डा ए सी प्लस म्यू बी सी बन जाएगा। अब आप देखें इक्वेशन नंबर 2 में आपके पास लैम्डा ए सी प्लस म्यू बी सी जीरो की इक्वल है इक्वेशन नंबर 2 में, ये देखें, ये थी लैम्डा ए सी प्लस म्यू बी सी जो था वो जीरो की इक्वल है, लैम्डा ए सी प्लस म्यू बी सी जीरो, ये वाली वैल्यू वहाँ पे पुट कर दें, ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी है, सारे की जगह क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा, तो आपके पास रिजल्टेंट किसकी इक्वल आ जाएगा लैम्डा प्लस म्यू ओ सी, और यही हमने प्रूव करना था, चेक करें दोबारा पढ़े जरा, इफ टू कंकरेंट फोर्सेस रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा ओ ए लैम्डा म्यू बी देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय लैम्डा प्लस म्यू ओ सी, यही हमने प्रूव करना था, और हमने ये कहा था वेयर सी डिवाइड्स ए बी सच दैट, और सी जो था पॉइंट वो ए बी को उस तरह डिवाइड करता है कि ये रेशियो मेंटेन होती है, तो इसका मतलब ये दो कंकरेंट फोर्सेस थी और उनका रिजल्टेंट लैम्डा प्लस म्यू ओ सी हमने प्रूफ करना था, तो यही हमने प्रूफ कर दिया। ये देखें हमारे पास क्या आ गया, रिजल्टेंट जो है वो आ गया लैम्डा प्लस म्यू ओ सी, ये हमारे पास कंप्लीट हो गई, इसको बोलते हैं लैम्डा म्यू थ्योरम।